नारावाद बदल चुका है। एक साथ कई उपाधियां मुरादाबाद के साथ जुड़ चुकी हैं। पहले पीतम नगरी थी, लेकिन वह बंदी की कगार पर था। अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करते हुए आज पीतम नगरी फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर चुका है। पीतम नगरी आज देश के एक्सपोर्ट का एक हब बन चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज पीतम नगरी स्मार्ट सिटी भी बन गई है। स्मार्ट सिटी और आपकी वर्षों से जो मांग थी, दशकों से जो मांग थी कि मुरादाबाद के पास भी अपना एक विश्वविद्यालय होगा, वह भी राज्य विश्वविद्यालय हमने मुरादाबाद के लिए स्वीकृत कर दिया। जब विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं, अब तो स्मार्ट सिटी बन गया है आपका मुरादाबाद। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी, कूड़े के निस्तारण के लिए भी, शहर की सुरक्षा के लिए भी, और साथ साथ शहर की एक एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए आज वह सेंटर यहां प्रारंभ हो चुका है। और उस पर भी हम लोगों ने अकेले मुरादाबाद के अंदर इस कार्य पर जो पैसा खर्च किया है, भाइयों बहनों, यहां पर इस कार्य पर ही प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च करते हुए तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लगभग 1506 करोड़ रुपए की परियोजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अकेले मुरादाबाद के अंदर चल रही है। अनुमान कर सकते हैं कितनी बड़ी परियोजनाएं, कितने बड़े कार्य लगातार उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मुरादाबाद ने जो कहा वह हमने यहां के लिए उपलब्ध करवाया। अगर मैं यहां की बात करूं, केवल नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के 24,500 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। पीएम स्वनिधि योजना में 26,600 वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश में 1 करोड़ गरीबों को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में 12,000 रूपये सालाना दे रहे हैं। और मुरादाबाद में 17,900 निराश्रित महिलाओं को, 3,079 दिव्यांगजनों को और 13,022 वृद्धजनों को 12,000 रूपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, इलेक्ट्रिक बसेज की चर्चा यहां पर हमारे महापौर पद के प्रत्याशी कर ही रहे थे। नगर पंचायत मोहम्मदाबाद मोहम्मदपुर माफी का सृजन हुआ और साथ साथ यहां पर अन्य तमाम कार्यक्रमों, टाना उपवन के साथ साथ अन्य तमाम कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर तेजी के साथ बढ़ा है।